हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, कल हमने आईपीएल 2020 में मैच नंबर 48 देखा, जो कि खेला गया मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में। मुंबई इंडियंस की टीम ने आरसीबी की टीम को 5 विकेट से हरा दिया और इसके साथ ही एमआई की टीम आईपीएल 2020 के टॉप 4 में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम भी बन गई। लेकिन इस मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हमें हीटेड चीज़ें देखने को मिली, काफ़ी सारी फाइट्स भी हमें इस मैच में देखने को मिली। इसके साथ ही क्या उन फाइट्स का अब असर हुआ है, कौन से बड़े प्लेयर्स के ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर लगाया गया है और उसके साथ ही कौन से बड़े प्लेयर्स के ऊपर डिसिप्लिन का एक्शन लिया गया है। इसके साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम मुंबई इंडियंस से हार के बाद किस तरह से अब आईपीएल 2020 के प्लेऑफ से बाहर हो सकती है, यही सब बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोज की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए कि कल के मैच के बाद आप लोग मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की परफॉर्मेंस को 10 में से कितने मार्क्स देना चाहोगे। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपडेट नंबर 1 की, जो कि है पॉइंट्स टेबल को लेकर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम यहां पर कल का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हार गई। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह मैच था, लेकिन आरसीबी की टीम यहां पर अपनी गेंदबाजी में थोड़ी प्रॉब्लम्स की वजह से और पहले बैटिंग भी उनसे अच्छी नहीं हुई और यही कारण है कि वो 12 मैच में अब सिर्फ 14 पॉइंट्स के साथ दिल्ली कैपिटल्स वाली हालत में आ चुके हैं। लास्ट के दोनों ही मैच ही टीम हार चुकी है, तो ऐसे में अगर इनको अब क्वालिफाई करना है तो इनको 2 में से 1 मैच जीतना पड़ेगा और इनके अगले जो 2 मैचेस हैं वो आते हैं दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। तो ऐसे में यहां पर आरसीबी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा कि उन 2 में से 1 मैच भी जीते। लेकिन गाइज, अगर आरसीबी 2 में से 1 मैच जीतती है तो ये सिर्फ टॉप 4 के लिए क्वालिफाई ही कर पाएंगे। लेकिन आरसीबी की टीम जिस तरह की हालत में चल रही थी उसको देखते हुए एक बार लग रहा था कि टॉप 2 में आसानी से जगह बना लेंगे, लेकिन अब इस तरह की हालत हो चुकी है कि अगर ये 1 मैच जीतते हैं तो सिर्फ ये क्वालिफाई ही कर पाएंगे अभी भी। हालांकि टॉप 2 में जाने के आरसीबी के पास पूरे पूरे चांसेस हैं, लेकिन जिस तरह से लास्ट के 2 मैचेस गए उसको देखते हुए थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए कि क्या आपके हिसाब से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, क्या वो अभी भी टॉप 2 में जा सकते हैं या फिर आपको लगता है कि प्लेऑफ्स यानी कि टॉप 4 में क्वालिफाई करना ही उनके लिए मुश्किल रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली के बीच हुई फाइट को लेकर। मैच के बीच में हमने देखा कि विराट कोहली बॉल को पिक करने के बाद सूर्य कुमार को घूरते हुए उनके पास चले गए थे और सूर्य कुमार यादव ने भी पूरा उनका जवाब दिया, वो भी बिल्कुल उनके आंखों में आंखें डालकर खड़े रहे। उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने मुंबई इंडियंस को मैच जिताया, 43 गेंदों पर 79 रन की उन्होंने पारी खेली। और गाइस, इस पूरे मामले को अब और ज्यादा हवा मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव काफी ज्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक सर्किट में। इसके साथ ही आईपीएल में भी वो लगातार पिछले कई सालों से अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें इंडिया की टीम में जगह नहीं दी जा रही है। अब गाइस, इसके ऊपर कुछ एक्सपर्ट्स निकलकर सामने आए हैं, जिसमें से आधे जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि विराट कोहली का भी सूर्य कुमार यादव को शामिल ना करने के पीछे हाथ है, क्योंकि विराट कोहली यहां पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है उसका हिस्सा होते हैं। तो ऐसे में उन्होंने विराट कोहली के ऊपर निशाना साधा है, उन्होंने कहा कि विराट कोहली सूर्य कुमार यादव को नहीं लेना चाहते और यही वजह है कि सूर्य कुमार यादव ने मैच खत्म होने के बाद जो जेस्चर किया था वो सिलेक्शन करने वाले लोगों और विराट कोहली के लिए ही स्पेशली था। जबकि वहां पर जो बाकी एक्सपर्ट है उनका मानना है कि जो कोच है और जो कैप्टन है उनका कोई भी रोल नहीं होता है सिलेक्शन की प्रोसेस में। कमेंट करके आप लोग बताइए कि क्या आपके हिसाब से सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम में जगह बननी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि वो काफी ज्यादा कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं तीसरी और फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है हार्दिक पांड्या और क्रिस मॉरिस के लिए। मैच के बीच में हमने देखा था कि इनके बीच में भी हमें काफी ज्यादा वर्ड्स का एक्सचेंज देखने को मिल रहा था और उसके बाद जब क्रिस मॉरिस बॉलिंग करने के लिए आते हैं तो वहां पर हार्दिक पांड्या उनको छक्का लगाते हैं। उसके बाद हालांकि लास्ट में जो क्रिस मॉरिस है उन्होंने आउट जरूर कर दिया था हार्दिक पांड्या को, लेकिन गाइज उनके बीच में काफी बार इनके बीच में वर्ड्स में एक्सचेंज होते हुए नजर आए और अब दोनों पर ही यहां पर बीसीसीआई ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। कोड ऑफ कंडक्ट रूल के हिसाब से इन दोनों को ही डिसिप्लिन का वायोलेशन करने का दोषी पाया गया है और अब इन दोनों की जो पनिशमेंट है वो बीसीसीआई भी डिसाइड कर रही है। मोस्ट प्रोबेबली इनके ऊपर मैच फीस का यहां पर जुर्माना लगाया जाने वाला है। तो गाइज, इस तरह से क्रिस मॉरिस और हार्दिक पांड्या की मैच फीस हमें कटती हुई नजर आ सकती है। तो ये थी वो 3 बड़ी अपडेट्स जो कि इस बड़े मुकाबले के बाद निकल कर आई है। वीडियो यहीं तक थी, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर कीजिए लाइक और चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।